नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ती पर डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत और यूक्रेन को लेकर आ रही है। दोस्तों, हाल ही में आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। हालांकि इस दौरान दोस्तों जेलेंस्की की तरफ से कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं डिफेंस को लेकर। जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए वो भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या आता है वो तो बाद की बात है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ये ऑफर आना क्या रशिया के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकता है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर यूक्रेन की तरफ से ये प्रस्ताव भारत के लिए आए तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनेंगे उनका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ होगा। यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि भारत का जो डिफेंस संबंध है वो यूक्रेन के साथ मजबूत है। ऐसे में भारत के लिए ये स्थिति थोड़ी सी किंग करते हुए विमूड वाली हो सकती है। यानी कि यूक्रेन पूरी तरीके से भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है, क्योंकि एक बात और है कि यूक्रेन में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया गया है रशिया के द्वारा, इस वजह से यूक्रेन को भी समस्याएं आ रही हैं। वो चाहता है कि अगर वो भारत के साथ मिलकर इस तरीके के सिस्टम्स को, यानी कि ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाए और उनकी आपूर्ति वो भारत से ले, तो वाकई में दोस्तों ये यूक्रेन के लिए एक टैक्टिकल बढ़त देने वाला मामला बन सकता है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन और भारत के बीच विन विन जो रिलेशन है, यानी कि जीत जीत का जो संबंध है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और युद्ध के दौरान यूक्रेन चाहता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। यहाँ पर दोस्तों एक फायदा भारत को ये मिल सकता है कि यूक्रेन के सहयोग से भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में यूक्रेन की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है। लेकिन दोस्तों बात तो वही आती है, जो ये सिस्टम्स बनेंगे उनका इस्तेमाल होगा कहाँ? भारत के पास तो ऑप्शन है कि वो चाइना या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है इस्तेमाल, लेकिन यूक्रेन के पास तो एक ही मौका है जो भारत के दोस्त रशिया पर इनका इस्तेमाल करेगा। बहुत चीज़ें जियोपॉलिटिक्स लेवल पर सोचकर बातें की जाती हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को यूक्रेन के साथ ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में सहयोग करना चाहिए या नहीं? और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की भी ऐतिहासिक यात्रा की। अब ऐसे में पोलैंड भारत के हथियारों पर नजर बना के रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों पोलैंड भी काफ़ी परेशान है रशिया और यूक्रेन की जंग को देखते हुए, और जिस तरीके का क्षेत्रीय तनाव वहाँ पर बना है तो उसे देखते हुए वो अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना शुरू कर चुका है। हाल ही में दोस्तों उसने $24 बिलियन के हथियारों का ऑर्डर दिया है। अब उसकी नज़र भारत पर है। भले ही पोलैंड ने यूक्रेन का पूरा सपोर्ट दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसकी अपनी खुद की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उसने यूक्रेन को काफ़ी एमुनेशन सप्लाई भी किया है। आपको मैं बता दूं कि इस मीटिंग के दौरान भारत ने पोलैंड को स्वदेशी रूप से विकसित जो हथियार प्रणालियाँ हैं उनकी पेशकश की है, जो भारत के लिए डेफिनेटली डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। भारत ने जो पोलैंड को अलग अलग तरीके के हथियारों की पेशकश की है, उसमें लॉयटरिंग म्यूनिशन जो कि कैमिकेजी ड्रोन्स होते हैं, इसके अलावा नाटो ग्रेड का एमुनेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब की पेशकश की है। और इसके अलावा दोस्तों भारत ने पोलैंड को उनके ग्राउंड फोर्सेज की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहनों की भी पेशकश की है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और सामने आई है कि भारत ने मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर किया है पोलैंड को। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन ड्रोन और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यूरोपीय देशों में भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। बात साफ हो जाती है कि जियोपॉलिटिकल जो तनाव इस वक्त उभरा हुआ है उसे देखते हुए हर देश अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस कोलैबोरेशन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को खरीद रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा को कायम रख सके। और ऐसे में भारत के पास एक बड़ा ऑप्शन है कि भारत अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर सकता है। एक बार फिर से दोस्तों अमेरिका ने भारत को अपने F-15EX फाइटर जेट की पेशकश की है, और MRFA टेंडर में F-15EX अब एक मजबूत दावेदार बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका को ये बात भी मालूम है कि भारत ने पहले तो उनके F-21 के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद जो कैरियर बॉर्न फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि F-18E/F फाइटर जेट था उससे भी नकार दिया। उसकी जगह भारत ने राफेल M को प्राथमिकता दी। ये एक बहुत बड़ा झटका था अमेरिका के लिए, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा में एक बड़ा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर अमेरिका ने कहा कि उनका जो F-15EX है उसकी अनुमानित लागत $80 मिलियन पर यूनिट होगी, जो कि राफेल के एक महत्वपूर्ण अंतर यानी कि अनुमानित 40% से कम हो सकती है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट है वो भी यहाँ पर एक मेजर फैक्टर होगा भारतीय वायुसेना के लिए MRFA टेंडर में कंटेंडर को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों F-15EX की कुछ खासियतें F-35 से भी ली गई हैं, इसलिए ये काफ़ी एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। इसमें एक ताकतवर ISR रडार लगाया गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स की हवा से हवा में जो लड़ाई है उसमें बढ़त दिला सकता है। यानी कि अमेरिका के पास एक बड़ा मौका है F-15EX को भारत को बेचने को लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है,
जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए अमेरिका के साथ फाइटर जेट को लेकर, तो वो हमेशा से नेगेटिव में रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन एयरफोर्स की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी कठोर है, जिसमें न केवल फाइटर जेट की ताकत देखी जाती है बल्कि इसकी लागत और एडवांस टेक्नोलॉजी को भी देखा जाता है। और साथ ही साथ अब तो आप सब जानते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है, और अमेरिका किसी को TOT इतनी आसानी से नहीं करता। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास अपने ऑप्शंस भी हैं, जिस पर काम चल रहा है तेजस मार्क 2 AMC, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो वही है कि अमेरिका को अब हर बात भारत से मनमानी की आदत पड़ गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कराची के कैंटोनमेंट एरिया में चाइना के द्वारा निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। ये सिस्टम आप सब जानते हैं कि 125 किलोमीटर की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है, और इसकी ताकत तो दोस्तों आपने उस समय देखी थी जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इनके क्षेत्र में एंटर कर गई और इनके HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम सोते रह गए। फिलहाल दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत की डिफेंस स्टार्टअप ज्यूस न्यूमेरिक्स ने एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी का अनावरण किया है जो कि ड्रोन वॉरफेयर में क्रांति ला सकता है। कंपनी ने विशेष रूप से UAV के लिए डिजाइन किए गए 81mm प्रिसिशन किट्स को तैयार किया है जो कि एक इजेक्टर रैक मैकेनिज्म के साथ लैस है। तो इजेक्टर रैक है, बॉम्ब लगा हुआ है, बाजू में आप देखेंगे कि लाल कलर का फीता लगा है। जब तक वो फीता निकलेगा नहीं, ये बॉम्ब गिरेगा नहीं। तो आप जब इस बॉम्ब को हैंडल कर रहे हैं जमीन पर, ड्रोन में लगा रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा कि ये बॉम्ब गिर के कुछ नुकसान करे। ये मैकेनिकल सेफ्टी, इसके अलावा दो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी भी हैं कि मान लो कल वॉर हो गई और हमारे पास मान लो 1000 ही मिलिट्री ड्रोन है, लेकिन एग्रीकल्चर ड्रोन तो 10,000 होंगे। उस समय क्या हमारी सरकार वो सारे ड्रोन ले करके उस पर ये यूनिवर्सल अडाप्टर किट लगा करके उसे भी वेपनाइज कर सकती है? तब क्या होगा कि आपका जो समय है जो कि आप ड्रोन बनाते फिर उसको वेपन में डालते वो बच जाएगा। इसे कहते हैं 81mm मोर्टार गाइडेंस किट। तो जो मेन वर्ड है वह प्रिसिशन और किट, यानी ये प्रिसाइज है। तो इधर उधर जाने के बदले जो आपने इसको GPS कोऑर्डिनेट दिया है इस फ्यूज सेटर से, इस फ्यूज सेटर ने GPS कोऑर्डिनेट इसको दिया, अगर उसे लगता है कि वो इससे कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो उसको टर्न करेगा और वापस उस कोऑर्डिनेट पर लेकर जाएगा। तो इसकी जो गुणवत्ता है वो इतनी अच्छी है कि आप पहली बार में आप टारगेट को टेक डाउन कर सकते हैं। पूरी लड़ाई जो हो रही है वो आजकल इस तरीके से हो रही है कि मेरा सोल्जर न जाए, उसे कोई नुकसान न हो, मेरा ड्रोन जाए नुकसान करके आए। लेकिन इसमें रिलायबिलिटी का बड़ा इशू था। हम लोगों ने इस तरह से एमुनिशन नहीं बनाए कि वो रिलायबल होते। हम लोगों से मतलब सॉरी जो 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 बाहर वॉर चल रहे हैं, क्योंकि उनके हाँ उनको जब हमने पढ़ाई की तो समझ में आया कि क्योंकि उनके वॉर शुरू हो गए थे, समय नहीं था, तो जुगाड़ से उन्होंने इस तरह के एमुनिशन बनाए। अब उन एमुनिशन में थोड़ा सा धोखा होने का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हवा व्हीकल को लेकर आ रही है, यानी कि हवा वाहन को लेकर आ रही है, यानी कि हवा वाहन को लेकर आ रही है, यानी कि भारत अब दोस्तों हाइपरसोनिक फ्लाइट के काफी करीब पहुंच गया। इसरो की तरफ से हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग व्हीकल विद एयर फ्रेम इंटीग्रेटेड स्क्रैमजेट, यानी कि हवा का जो डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य हाइपरसोनिक उड़ान टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा। हवा परियोजना में हाल ही में कई तरीके की प्रगति हुई है जो कि बताती है कि इसरो लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। हवा परियोजना में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें कि एक है इसका एरोडायनामिक कैरेक्टराइजेशन जो कि सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और इस फेज में हाइपरसोनिक कंडीशन में वाहन के यानी कि व्हीकल के बिहेवियर को समझने के लिए विस्तृत विश्लेषण और परीक्षण किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो चुका है कि डिज़ाइन हाई स्पीड की उड़ान की कठोर मांगों को पूरा करता है। और जो वैल्यूबल डेटा मिला है इस विश्लेषण से, उससे हवा व्हीकल को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद मिल सकती है। एरोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन के अलावा इसरो ने इसकी कुछ जो ज़रूरी सब सिस्टम्स हैं उनका काम भी पूरा कर लिया है, जिसमें कि GS2GO2 आधारित इग्निशन सिस्टम भी है। इसके अलावा फ्यूल स्टोरेज एंड फीड सिस्टम है, एयर इनटेक काउल ओपनिंग मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म एयर इनटेक काउल के खुलने को कंट्रोल करता है, जो स्क्रैमजेट इंजन में महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट होता है, जो सुपरसोनिक स्पीड से इंजन में हवा को प्रवेश करा देता है। और इस सिस्टम का पूरा होना इस वाहन के पूरे एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम इसके लिए तैयार किया गया है,
यानी कि दोस्तों इसरो ने अपने स्क्रैमजेट कंबस्टर के परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। और ये जो सभी परीक्षण किए गए हैं इनके बाद स्क्रैमजेट कंबस्टर को अगले दौर के लिए हॉट टेस्टिंग की तैयारियों में रिफर्बिश किया जाएगा। तो बहुत चीज़ें दोस्तों जो देश को एक स्तर आगे ले जा रही हैं हाइपरसोनिक वाहन बनाने के क्षेत्र में, और डिफेंस एप्लीकेशन के अलावा सिविल एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि एएमसी फाइटर जेट को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि बिना फॉरेन कोलैबोरेशन के एएमसी फाइटर जेट के जो नीच टेक्नोलॉजी है वो जल्दी नहीं बनाई जा सकती है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके तहत कुछ जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो तैयार हो सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो डिले प्रोसेस है यानी कि देरी है, इसके अलावा प्रोग्राम फेज का जो शेड्यूल है वो इंश्योर हो पाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख की तरफ से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL जो कि AMCA प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार हैं, खास करके इसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को लेकर, उस पर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ADA और HAL की तरफ से 5 टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर्स बनाए जाने हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के अलावा अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि AMCA में किसी इंटरनेशनल पार्टनर को जोड़ने को लेकर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, यूक्रेन ने आज रशिया को बिल्कुल हैरान कर दिया। इस बार यूक्रेन ने अपने देसी हथियार से रशिया पर हमला कर दिया, और जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो एक ड्रोन जेट मिसाइल है जिसका नाम पेलिएंसिया है। ये ड्रोन और मिसाइल का एक हाइब्रिड रूपांतरण है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन लगातार इसका इस्तेमाल रशिया पर प्रिसिशन अटैक के लिए भी कर रहा है पैच। और इस हाई स्पीड ड्रोन की कई तरीके के फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें मिसाइल वाला जो टर्बोफैन इंजन है वो इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि इनकी स्पीड और तेज हो जाती है। बता दें कि इस हथियार ने जब रशियन डिपो पर हिट किया तो उसके बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिला था। बता दें कि ये ड्रोन मिसाइल के आगे 20 किलोग्राम का जो फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है उसे कैरी कर सकता है। इसका वजन 4 किलोग्राम है और इसका इंजन 43 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी कि ये एक ऐसा हथियार है जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोस्तों रशिया पर अब ये जो अटैक किया गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रशिया डेफिनेटली एक बड़ा एक्शन लेने को यहाँ पर तैयार बैठा है। मझगांव डॉक लिमिटेड ने INS नीलगिरी के सी ट्रायल शुरू किए हैं, जो कि एक लीडशिप है प्रोजेक्ट 17A का। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।